सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। जी हां, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय पर बैठक आयोजित होगी। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आज अधिकांश सिटिंग विधायकों के नाम पर मुहर लग सकती है। बीजेपी कोर कमेटी में 100 से अधिक सीटों पर मंथन हुआ है। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह बैठक में पहुंच चुके हैं और वहीं सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ मीटिंग में पहुंचे हैं। सीपी जोशी भी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। तो तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जेपी नड्डा मीटिंग में पहुंच चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर पहुंच चुके हैं, अर्जुन मेघवाल पहुंच चुके हैं, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, जो कुछ ही समय में पहुंचेंगे। उसके बाद ये बैठक आहूत की जाएगी और इस दौरान जो है दूसरी बीजेपी की सूची है उस पर मुहर लगेगी और साथ ही 100 जो सिटिंग विधायक है उनके नामों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निजाम, बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक है, ऐसे में तमाम बीजेपी के दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कितना और अधिक समय बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने में और मीटिंग शुरू होने में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल इमारती बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का एक तरह से कुछ ही देर हैं जब शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ ही केंद्रीय समिति के जो सभी सदस्य हैं वो यहाँ पहुँच चुके मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर, हेडक्वार्टर पर। इसके साथ ही बात करें अगर राजस्थान कोर कमेटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें खासतौर से अगर करें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रभारी अरुण सिंह, इसके साथ ही सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो मौजूद है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंच चुकी है। तीनों केंद्रीय मंत्री अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी हैं, इसके साथ ही अगर बात करें अर्जुन राम मेघवाल जो हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। यानी कि तमाम जो बीजेपी राजस्थान बीजेपी से जुड़े जो कोर कमेटी से जुड़े जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। तो चंद्रशेखर जो हैं संगठन महासचिव वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये दूसरी बैठक होने जा रही है और ख़ास तौर से इस बैठक में देखिए कि इस बैठक से पहले आज भी जो है कोर कमेटी की बैठक हुई थी सुबह 11 से 1 बजे तक, करीब 2 घंटे से 10 मिनट की ये बैठक हुई थी। अमित शाह मौजूद रहे थे और फाइनल नाम जो है 100 से ज़्यादा लिस्टों को लेकर, फाइनल नाम को लेकर एक जो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे हैं उन पर उनको तय किया गया था। आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मोहर लगा देगी, लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि जिस तरीके से पहली सूची में 41 नाम जिनमें से 40 नाम ऐसे थे जहाँ पे बीजेपी लगातार हार रही थी या बीजेपी हार गई थी, तो उस नामों पे जो नाम जारी किए हैं उसके बावजूद बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा। खासतौर से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, चाहे दिया कुमारी हो, इसके साथ ही अगर बात करें देवजी पटेल को आज भी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे और जमीनी लेवल पे दोनों जगह विरोध है। अब बीजेपी की रणनीति में बदलाव आया है दूसरी सूची को लेकर कि वो ज़्यादातर जो विधायक है जिनकी की टिकट नहीं काटी जानी है उनको इस दूसरी सूची में शामिल करेंगे। इसके साथ ही बात की जाए वो विधायक जिनके कोई विवाद है, जिन सीटों पे विवाद है या कुछ विरोध हो सकता है उनको फिलहाल जो है होल्ड पे रखा जाएगा। अगर बात करें तो कुछ ही देर में जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है, पीएम मोदी आने वाले हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो आज जो है दूसरी सूची पर भी मोहर लग जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो आज देर रात या कल तक ये सूची जो आने की भी संभावना, लेकिन जो संभावनाएँ जताई जा रही है कि 100 से ज़्यादा सीटों को लेकर जो आज मंथन करके कोर कमेटी ने यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति के सामने भेजा है उनमें से 60 से 70 के बीच जो है ये लिस्ट जारी हो सकती है। और कई विधायकों के टिकट कटने की भी बात सामने आ रही है जो कि 3 आधार हैं जिससे साथ का है, तो जो विधायक उम्मीदवार हैं या जिनके खिलाफ निजाम, और देखिए पहले भी हमारे इस मुद्दे पर बात हुई थी कि इस बार भी जो है बीजेपी की सूची में सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं, साथ ही जो सिटिंग विधायक है उनमें से कईयों के टिकट कट भी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कि इस बार भी यही माना जा रहा है, लेकिन देखिए चूंकि जिस तरीके से पहली सूची में विरोध हुआ दूसरी सूची नहीं चाहेगी बीजेपी की इसमें ज़्यादा विरोध हो, इसलिए विधायकों के टिकट कटने की बात बेहद कम है। खासतौर से अगर बात करें विधायकों के जिनके नाम आ रहे हैं, सूर सागर से सूर्यकांत व्यास जी जो काफ़ी उम्र दराज हैं और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत है, दूसरी तरफ कैलाश मेघवाल जी है जिनका नाम आता है क्योंकि उनके अभी हाल ही में उनके द्वारा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके नाम भी, इसके साथ ही पुष्कर का भी है, कुछ निष्क्रिय विधायक है जिन्होंने अपने क्षेत्र में ज़्यादा नहीं नजर आए उनका भी इसमें नाम शामिल है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि दूसरी सूची को लेकर कोई जमीनी स्तर पर ज्यादा विरोध आए। निजाम, एक चीज यहाँ पर देखने वाली ये भी होगी कि जिस तरह से पहली सूची में बीजेपी ने बागियों पर भरोसा जताया था, क्या दूसरी सूची में भी बीजेपी बागियों पर भरोसा जता सकती है? देखिए कि पार्टी का एक ही इस बार चुनाव वितरण में साफ और सीधा संदेश एक ही है और वो है टिकाऊ और सही बात है जिताऊ, जीतने वाले उम्मीदवार। और पार्टी चाहती है, इसीलिए देखिए कि सबसे पहली सूची में डी कैटेगरी के जो सीटें थी उन पे प्रत्याशी घोषित किए। डी कैटेगरी यानी जहाँ पर पार्टी लगातार हार रही है, दो से तीन बार हार रही है या पिछली बार हारी थी। इस बार जो दूसरी सूची में बी और सी कैटेगरी के जो सीटें हैं, खासतौर से वो जिन पे पार्टी को ज़्यादा मजबूती है कि वहाँ पर जीत सकती है, या जिन पर जो डेफिनेट जीतने वाली जो ए कैटेगरी के, उनमें से कुछ सीटें इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन अमूमन तौर पर बी और सी वो सीटें जहाँ पर पार्टी कुछ प्रयास करे तो जीत सकती है, या जिन सीटों पर पार्टी पिछली बार कुछ कम अंतराल से, कुछ सैकड़ों वोटों से या कुछ हजार वोटों से जहाँ हारी है, वो सी ग्रुप की सीटें और बी ग्रुप की सीटें जहाँ पर पार्टी कभी एक बार जीतती है, कभी एक बार हारती है, या जिसको पार्टी लगता है कि इस सीट पे आसानी से जीत दर्ज की जा सकती है लेकिन थोड़ी कवायद करनी, तो बी और सी ग्रुप की जो सीट है उन पे से ज़्यादा आज मोहर लगेगा। संभावना है कि 60 से ज़्यादा आज प्रत्याशी आज रात जिन पे मोहर लग सकते हैं, आज देर रात या कल दिन तक या कल शाम तक ये सूची बीजेपी की बाहर आ सकती है। जी माधुरी जी, बिल्कुल निजाम, तो आज या कल में जो है बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम।